हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को वसंत पंचमी ठाकुर जी के फाग उत्सव की मंगल में बधाई। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ जो है वसंत पंचमी का ब्लॉग शेयर करने वाले हैं। ठाकुर जी का अभिषेक, स्नान, श्रृंगार, साथ ही उनकी भोग है, उनकी आरती के दर्शन, साथ ही हमने ठाकुर जी कैसे होली खेली उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट सब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज वसंत पंचमी के स्पेशल ब्लॉग को। तो दोस्तों, बस पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा इस ब्लॉग को, आपको बहुत आनंद आएगा। सबसे पहले जो है हमने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराया, उसके बाद जो है केसर और हल्दी युक्त स्नान कराया, उसके बाद देखिए हमने जो है सरस्वती पूजा की, माता वाक की देवी जो है सरस्वती की पूजा करी है, उनको भोग लगाया, उनको पूजा करी है, मोर पंख चढ़ाया उनको, साथ ही धूप दीप से पूजा हुई, उसके बाद ग्रंथ पूजन हुआ है हमारे पास। देखिए काफ़ी सारे ग्रंथ है तो हमने उनका पूजन किया, जैसे रामचरितमानस है, गीता है, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत जो है, मार्कंडेय पुराण है, पद्म पुराण है, गर्ग संहिता है, स्कंद पुराण है, साथ ही हमारे पास श्री भागवत जी हैं, पद्म पुराण, यह है दैनिक प्रार्थना की कुछ किताब है। दोस्तों, रसोपासना है, श्री राधा कृपा कटाक्ष है, साथ ही श्री बिहारी पचासा है जो बिहारी जी के मंदिर में पाठ होता है, श्री भक्तमाल है, श्री राधा माधव चिंतन है, विरह पद है, सूर्य विनय है, दुर्गा सप्तशती है, और कुछ हमारी डेली किताबें जैसे एकादशी है, प्रदोष व्रत है, चतुर्दशी है, चतुर्थी है, बाकी सभी बहुत सारी किताबें हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, कभी कहेंगे तो आप इसका पूरा अलग से एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों, तो चलिए राधा गोविंद जी के श्रृंगार दर्शन करते हैं। हमारे ठाकुर जी के सामने जो हमने गुलाल रखे हैं, चार तरह के पुष्प हैं, और जो है दीपक जल रहा है, आप देख सकते हैं। इस बार की जो पोशाक है दोस्तों, वो हमने घर पर ही तैयार की है, बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ है, बहुत ही अद्भुत रूप आया हमारे ठाकुर जी का। सबसे पहले चरण दर्शन करते हैं, और वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, आप आनंद लीजिए श्रृंगार दर्शन के ठाकुर जी के।
आपको हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन कैसे लगे। चलिए अब हम हमारे बिहारी जी के साथ जो है होली खेलते हैं। हमारे बिहारी जी को होली खेलना बहुत पसंद है, इसलिए हमारे ब्रज में जो है 40 दिन की होली होती है। कहते हैं ना दोस्तों, जगत की होली और ब्रज का होरा, तो इसीलिए हमारे ब्रज में जो है होली का त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है। और हमारे ठाकुर जी और हमारे श्री जी को जो है होली खेलना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमने ठाकुर जी को बसंती कलर लगाया, उसके बाद जो है लाल हरा और गुलाबी रंग लगाया है। सभी को हम इसी प्रकार से रंग लगाएंगे, बहुत ही थोड़ा थोड़ा रंग लगाया जाता है उनके कपोलों पर, उनके चरणों में। और देखिए हमने सभी को रंग लगाया है। ब्रज में जो है सभी मंदिरों में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बरसाना, सभी में जो है बसंत पंचमी से जो है 40 दिन की होली शुरू हो जाती है। बहुत ही धूमधाम से जो है बसंत पंचमी से होली का शुभारंभ हो जाता है। श्रृंगार आरती में जो है डेली जो है रंग बरसाया जाता है ठाकुर जी के भक्तों पर। तो चलिए अभी हम जो है ठाकुर जी की आरती का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वसंत ऋतु उन्हीं का ही रूप है, और साथ ही वसंत सभी ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतु से जो है ऋतु परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, अब गर्मियाँ शुरू होने लग जाती हैं, इसीलिए ठाकुर जी की सेवा में भी काफ़ी चेंज आने लग जाते हैं अब से। तो देखिए अब हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। भोग में श्री जी का पान बीड़ा भी आ चुका है। हमने आज भोग में जो है पूड़ियाँ बनाई हैं, खीर है, हलवा है, रबड़ी है, और जो है कद्दू की सब्ज़ी है, और कढ़ाई पनीर है, साथ ही मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी फल हैं। तो हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तुलसी पत्र डाल के। तो देखिए वसंत ऋतु बहुत ही सुंदर मौसम होता है, और ठाकुर जी का सबसे फेवरेट समय होता है, क्योंकि इस समय वो श्री जी के साथ होली खेलते हैं 40 दिन की। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।